डॉलर के पर कटने लगे, ओपन मार्केट में 4 रुपए की बड़ी कमी, अमरीकी करेंसी 222 रुपए पर हो गई, इंटरबैंक में डॉलर 2.11 रुपए सस्ता होकर 224.04 रुपए का हो गया, स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 1 तोले सोने की कीमत में 1300 रुपए गिर गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और यूएई हुकाम से राबता, आईएमएफ प्रोग्राम पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारों से फंड्स मिलने की तवक्को पर डॉलर गिरा, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं 3 माह तक इंपोर्ट नहीं बढ़ने देंगे, बजट खसारा कंट्रोल करना है। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम नाकाबिले कबूल, शहदा के रवाहिकीन को दुख हुआ, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी थी, आईएसपीआर का बयान। मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत एक तरफा तब्दील करने के भारतीय इकदाम को 3 साल मुकम्मल, दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल, वादी में मुकम्मल हड़ताल, पाकिस्तान में भी शहर शहर रैलियां। मकबूजा कश्मीर का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा, भारतीय हुकूमत जनेवा कन्वेंशन और सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ वर्जी कर रही है, वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं अक़वामे मुत्तहिदा वादी में इंसानी हकूक बहाल कराए, कश्मीरियों को आज़ादी मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत, हक की जद्दोजहद में साथ खड़े रहने का आज़्म, अवाम के बदतरीन मुहासरे और मुजालिम का खात्मा होना चाहिए, आईएसपीआर का बयान। यूरोपीय पार्लियामेंट के 14 अरकान का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर इजहार तश्वीश, अवाम भारतीय फौज के जुल्म बर्बरियत का शिकार है, मेम्बरान का यूरोपियन कमीशन के सदर और नायब सदर को खत। मजालिस में बाबुल हवाइज शहजादा अली असगर की शहादत का बयान, कराची में जगह जगह मातमी जुलूस बरामद, रिजवी सोसाइटी में पुरसादारी। लाल की नगरी में बीबी जहरा के लाल का मातम, जगह जगह मजालिस आजाद, शबिये अलम ताबूत और जुलजना के जुलूस, उबाड़ों में भी आजादारों की पुरसादारी। सिंध में 10 अगस्त तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, बच्चों बुजुर्गों और सहाफियों को इस्तिस्ना हासिल। पीटीआई के लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ का केस, लाहौर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं यासीन राशिद और शफकत महमूद को बेगुनाह करार दे दिया, रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दी गई। आरिफ नकवी को पकड़ा गया लंदन में, जब पकड़ते हैं वहां किसी को तो उसमें वो एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें कहते हैं आप रेफरेंस दें कि आपका अगर रब्ता करना पड़े तो किससे करें, तो वहां पर आरिफ नकवी साहब ने जो नाम लिखवाया वो इमरान अहमद खान न्याजी का और टेलीफोन नंबर भी इमरान अहमद खान न्याजी का दिया। वजीर आजम पाकिस्तान लिखा उसने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याजी साहब। सईद खनी की इमरान खान पर तनकीद, तहरीक इंसाफ की क्यादत पर आइन शिकनी के बाद अब चोरी और झूठ बोलना भी साबित हो गया, सूबाई वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरिफ नकवी की कंपनी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। पीटीआई में जो सपोर्ट किया उसने उसके बदले में इमरान खान ने उसको पे ऑफ किया है, के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो सुई सदर गैस कंपनी के चार्जेस थे, जो ड्यूज थे, जो लाइबिलिटीज थी, वो उन्होंने माफ किए। हुकूमत इमरान खान को ना अहल और नवाज शरीफ को अहल कराना चाहती है, शेख रशीद का बयान, कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले में जान नहीं।
कराची में बलदियाती इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती का मुतालबा। जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, फौरी इंतखाबात कराए जाएं, हाफिज नईम की गुफ्तगू। बलोच कॉलोनी बाईपास पर कचरे का पहाड़, इंतजामिया शहर भर का गंद लाकर डालने लगी, सिंध हुकूमत क्या कर रही है, पीटीआई रहनुमा अली जैदी का सवाल। थाना रिसाला की हदूद से स्ट्रीट क्राइम्स का मुलजिम गिरफ्तार, मोटरसाइकिल बरामद, पुलिस को साथियों की तलाश। कराची में कल हल्की और इतवार को दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान, 10 अगस्त से एक और सिस्टम से असरअंदाज होने की पेशगोई, 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है, महकमा मौसमियात वालों ने बता दिया। और पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी इवेंट से बाहर, ऑस्ट्रेलिया से भी शिकस्त, कौमी टीम ने वतन वापसी के लिए सामान बांध लिया।